फ्रेंड्स, मैं सालू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। ये मैंने वांडरिंग की टॉपियारी बनाई थी फ्रेंड्स, मैंने आप लोग से शेयर भी किया था। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छे से प्लांट मेरा ग्रो कर रहा है। बारिश से थोड़ा प्लांट के पत्ते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जब ये पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। आपको अपना जेक प्लांट ही दिखाऊंगी फ्रेंड। ये जो आप देख रहे हैं ये सारी कटिंग्स है जिसे मैंने लगा के रखा है फ्रेंड, और मैंने जेक प्लांट की जो बोनसाई ट्री बनाई थी आप लोग से शेयर भी किया था फ्रेंड, तो उसकी ग्रोथ जो है बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो आज मैं उसे फिर से एक अच्छा सा शेप देने की कोशिश करूँगी, तो चलिए देखते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, ये है मेरा जेक का प्लांट जिसकी मैंने बहुत ही सुंदर सी बोनसाई बनाई थी, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो गई है। तो फिर से मुझे इसे प्रून करना पड़ेगा, एक अच्छा सा शेप देना पड़ेगा फ्रेंड। तो पहले मैं अपने जेट प्लांट को अच्छी तरह से इस तरह से पकड़ कर बांध लेती हूँ फ्रेंड। आप देख सकते हैं इसके सारे ब्रांच जो है निकल रहे हैं। फिर बांधने के बाद मैं इसे हल्का हल्का प्रून कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ के ब्रांच को मैंने इस तरह से पकड़ के धागे की मदद से इस तरह से लपेट दिया है, बांध दिया है बिल्कुल, लेकिन एक जो नीचे का जो डाल है वो छूट रहा है फ्रेंड। तो मैं इसे पूरा ही इस तरह से बांधने की कोशिश करती हूँ ताकि ये राउंड शेप में लगे। और इधर के भी सारे ब्रांच जो निकले हैं सभी को पकड़ के मैं इस तरह से राउंड शेप में बांध दूँगी। मैंने दोनों ब्रांच को, जो भी ब्रांच साइड साइड से इसकी निकली थी, सभी को पकड़ के इस तरह से बांधने की कोशिश की है। उसमें एक्स्ट्रा ब्रांच निकली हुई है उसे हमें कट कर देना पड़ेगा। देखिए यहाँ से निकली हुई है, ऊपर से जो भी ब्रांच यहाँ से निकले उसे कट कर देना पड़ेगा हमें। का प्लांट होता है जो बहुत ही अच्छा होता है, इसे हम जिस चाहे रूप में ढाल सकते हैं फ्रेंड, लेकिन इसकी हमें प्रूनिंग करते रहने पड़ती है समय समय पर, नहीं तो उसका शेप जो है वो बिगड़ने लगता है। तो मैंने भी इसकी बोनसाई ट्री बनाई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो गई है, तो फिर से मैंने इसे एक अच्छा सा शेप देने की कोशिश की है। इस तरह से मैंने दोनों दो ब्रांच कर दिए हैं ताकि ये राउंड शेप में लगे, और उसे मैं कट कर देती हूँ। देखिए अभी थोड़ा मैंने इसे कट किया है फ्रेंड, और देखिए थोड़ा थोड़ा इसकी शेप जो है वो आने लग गई है। और यहाँ से जो ब्रांच निकली है तो इसे भी हम कट कर देते हैं। देखिए यहाँ से भी एक ब्रांच निकली हुई है, तो जो जो साइड साइड से ब्रांच निकल रही है उसे हमें कट कर देना है। इसकी अगर हम प्रूनिंग करते रहते हैं इस तरह से ऊपर ऊपर के टिप को कट कर देते हैं, तो प्लांट जो है हमारा घना हो जाता है फ्रेंड, क्योंकि वहाँ से डबल ब्रांच जो है वो निकल के आती है। तो देखिए ऊपर ऊपर की टिप को मैं इस तरह से कट कर देती हूँ। वाले में साइड साइड से नीचे नीचे बहुत सारी ब्रांच है, तो जो भी नीचे से इस तरह से जो ब्रांच एक्स्ट्रा ब्रांच है उसे हम हटा देंगे। इसमें बहुत सारे पत्ते भी हैं फ्रेंड, तो उसे भी हमें हटाना पड़ेगा। नीचे से देख सकते हैं इस तरह से छोटे छोटे पत्ते जो हैं नीचे वाले, तो उसे भी हमें हटा देना पड़ेगा ताकि ब्रांच जो है वो हमारी क्लियर दिखे, और जो हम ट्री बना रहे हैं उसका शेप भी अच्छे से आए। इधर से भी हम देख लेते हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड इधर भी कुछ कुछ छोटी छोटी ब्रांच हैं, इसे हमें हटाना पड़ेगा। यहाँ से देख सकते हैं एक ब्रांच जो इस तरह से लंबी जा रही थी ये अलग हो गई है, तो इसे हम कट करके हटा ही देते हैं, क्योंकि ये हमारे शेप को बिगाड़ रही थी, इसके बोनसाई के शेप को बिगाड़ रही थी। देखिए एक यहाँ पे छोटा सा और इस तरह से जो भी, देखिए ये एक्स्ट्रा ब्रांच है, तो एक्स्ट्रा ब्रांच को हम कट कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से हम अपने प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर देंगे ताकि इसमें जो ब्रांच हैं और डबल डबल निकल के आए। देख सकते हैं फ्रेंड कि फाइनली मेरे जेट प्लांट का यह लुक जो है बनकर आया है। बहुत सारी कटिंग जो है इसकी मैंने, बहुत सारे ब्रांच जो हैं वो कट कर दिए हैं फ्रेंड, और आप देख सकते हैं इस तरह से ये देखने में लग रहा है। तो इसे मैंने एक अच्छा सा लुक दे दिया। इसे कट करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इतनी सारी कटिंग्स जो है वो फिर से निकल गई है, तो इसे हम लगा देंगे फिर से प्लांट हमारा, इसे ढेर सारे प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। अपने जेट प्लांट की कटिंग और प्रूनिंग कर दी है फ्रेंड, और उसे एक अच्छा सा शेप देने की कोशिश की है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको इसका लुक जो है वो कैसा लगा। थोड़ा और ग्रो हो जाएगा, इसके न्यू ब्रांच निकल जाएंगी, तो ये थोड़ा घना हो जाएगा तो देखने में और भी खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरा ये आज का बोनसाई ट्री? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।